नारायण 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 राम 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 नास तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत नास तो विद्यते भाव का तात्पर्य है कि जो असत है नाशवान है उसकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता मानो उनका होनापन वो नहीं है। क्यों असत है ना असत भाव न विद्यते ऐसे ही ना भाव विद्यते सत जो सत है उसका अभाव नहीं है। मान एक सत और एक असत दो है। ये 20 श्लोकों में सत असत के विवेक का ही वर्णन है। तो सत है वो स्वाभाविक है ही है। उसका अभाव नहीं हो सकता। जो असत है इसका भाव नहीं हो सकता। ये ठहर नहीं सकता। ऐसी सत्ता नहीं है। ये संसार जितना दिखता है सभी देखने में सुनने में जो समझने में आता है संसार इस सब का नाम असत बताया है। इसकी सत्ता नहीं है। मान इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सब वस्तु के कारण से ये है ऐसा दिखता है। ये स्वतंत्र चीज है नहीं। इस वास्ते इसकी निवृत्ति हो रही है। इसका नाश हो रहा है। इसका अभाव हो रहा है। जो अभाव रूप ही है जितनी संसार की वस्तु है पहले नहीं थी और फिर नहीं रहेगी। अभी वर्तमान में भी नहीं मई जा रही है। तीन बातें है। पहले नहीं थी पीछे नहीं रहेगी और जिस काल में है दिखता है उस काल में भी नहीं नहीं जा रही है। मान अभाव ही हो रहा है। जैसे अपनी बाल्य अवस्था का अभाव हो गया फिर जवानी आई फिर उसका भी अभाव हो गया फिर वृद्धावस्था आई उसका भी अभाव हो गया। तो ये अवस्थाएं है वस्तु है पदार्थ है परिस्थिति है व्यक्तियां है सब पहले नहीं है पीछे नहीं रहेगी और वर्तमान अवस्था में भी इनका अभाव हो रहा है। तो अभाव में जा रही है सब वस्तुएं अभाव में जा रही है। और सत है वो पहले भी था अगड़ी भी रहेगा और अब भी है। इसमें कोई विकास नहीं होता। इसमें कोई विकास नहीं है जो बदल रहता है। अब एक बात बताओ इस विशेष ध्यान देने की। ये जो असल वस्तु है संसार जितना है इसका सबका वियोग हो रहा है स्वतः ही किसने अपने स्वरूप से जो अपना स्वरूप है उसने इसका वियोग हो रहा है निरंतर। क्यों पहले वियोग था पीछे वियोग होगा और अभी संयोग के समय में भी वियोग हो रहा है। तो वियोग होने से क्या सिद्ध हुआ कि इसका वियोग ही सत्य है। योग नहीं हो सकता इसका वियोग ही सत्य है। जैसे अपने व्यवहार में देखो आपका हमारे का मिलना है ये पहले मिले हुए नहीं थे परिचय नहीं था और फिर मिल गए तो योग हो संयोग हो गया और संयोग का वियोग हो गया। तो संयोग हुआ है और वियोग होता है इन दोनों में वियोग सत्य है। क्यों पहले वियोग था पीछे वियोग होगा और अब भी वियोग हो रहा है।
तो वियोग होने पर संयोग हो जाए ये तो पता नहीं है, कल अपने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, परंतु मिले उसका वियोग जरूर होगा। क्यों? वियोग सत्य है, ऐसे योग उसका अनित्य है, तो इसका वियोग होगा। तो जितना संसार की वस्तु है सबका वियोग हो रहा है, तो नित्य निरंतर वियोग होता है, और जो सर्वस्तु है उसका योग होता है, वो नित्य योग है, हमारा नित्य ही संबंध है, वो हमारा स्वतः ही रहता ही है, उसका वियोग नहीं होगा कभी, ना भाव भी देते सत्य, उसका अभाव नहीं होगा और इसका भाव नहीं होगा। इसका जो हमारे से वियोग होना है, हमारे से बिछुड़ना है, ये निरंतर हो रहा है, और वह परमात्मा का निरंतर ही संबंध हमारा है, वो निरंतर संबंध है, उसको गीता ने योग कहा है, समत्वम योग उच्चते। तो गीता ने उसको समत्वम योग उच्चते कहा, और इसको कहा कि ये तो दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख क्या है, ये संसार का संबंध है, इसमें जो संबंध की इच्छा ये दुख ही है, इसमें दुख ही मर है, वियोग ही वियोग होगा, अगर वियोग में दुख होगा, दुख कब होगा कि जब संयोग की चाहना रखते हैं, संयोग की चाहना अगर हम छोड़ दें तो इसे वियोग होने से दुख नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्वतः वियोग में जा रहा है, संयोग की चाहना है ये दुखों का घर है। तो ये संयोग चाहने क्यों होता है कि संयोग जन्य सुख भोगते, खास ये बीमारी है, संयोग जन्य सुख, उसको भगवान ने कहा यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो ने ये होती, जो संबंध जन्य जितने सुख है भोग है वे दुखों के कारण है, दुख योनि के कारण, दुख योनि का मतलब दुखों के जनक है, दुख ही दुख पैदा होगा, संयोग जन्य सुख है उससे दुख ही दुख होगा, वो आगमा भाई ने अनित्य आने जाने वाले अनित्य है, तो आने जाने वाले हैं। आजंत वंता कौन थे, न तेसु रमते बुधा, बुधा उनमें रमण नहीं करता, तो ये सदा ही वियोग होने वाला है, तो उसमें रमण करेंगे तो एक रमण करने की इच्छा है वो संयोग की इच्छा है, वो दुख देगी, इस बात इसमें रमण करते ही नहीं, उस संयोग इच्छा रखते ही नहीं तो मौज हो जाएगी। सुखमो से ये स्वरूप प्राप्त शरीर मोक्षनाथ काम क्रोधर, ये काम क्रोध का वियोग होगा, संयोग चाहेंगे काम हो गया, इसका वियोग हो जाएगा तो फिर क्रोध आ जाएगा, तो मतलब ये नष्ट होने वाली वस्तु है, तो इसका नित्य ही अपने से वियोग हो रहा है। और योग की परिभाषा दो की भगवान ने, एक परिभाषा ये की तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, तो दुखों के संयोग का वियोग सना वियोग है, तो जो नित्य निवृत्त हमारे से हो रही है, हमारे से अलग हो रहे हैं पदार्थ, शरीर है, इंद्रियां है, अंतकरण है, प्रकृति, और प्रकृति का जितना कार्य है वो प्रकृति परिवर्तनशील है, नित्य निरंतर बदलती है, और बदलती है उसमें हमारे साथ वियोग होता है, इसका वियोग वियोग हो रहा है, तो इसी संयोग से दुखालय में शाश्वत गाना दुखालय है, ये दुख ही दुख है, तो इसका वियोग स्वतः ही हो रहा है। अब स्वतः हो रहा है वियोग, इसको हम स्वीकार कर लें कि ये नित्य ही वियोग हो रहा है, नित्य ये रहेगा नहीं, नित्य वियोग है, तो संयोग की इच्छा मिट जाए, संयोग जन्य सुख है वो दुखों का कारण है, दुख ही दुख पैदा होंगे।
दुखालय है ये, दुखी हो रहे ये होते, दुखों का कारण है, दुखों का स्थान है, दुख पैदा होते हैं और दुख इसमें रहते हैं। दुखालय कहने का तो दुख रहते हैं इसमें, और दुख है वो कारण है, दुखी हो नहीं होते और आदि अंत वाले हैं, तो ये दुखों का कारण है। इस दुखों के कारण का वियोग हो रहा है, स्वतः स्वाभाविक वियोग हो रहा है, स्वाभाविक स्वतः। तो इनके दुखों का कारण है उसमें जो संयोग की इच्छा, इसका वियोग हो रहा है, तो संयोग के वियोग का नाम हुआ योग। तो संसार से संबंध विच्छेद कर लो, योग हो जाएगा, और परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ तो योग हो जाएगा। स्थिति होना है वो है समत्वम योग, स्थिति परमात्म स्वरूप में स्थिति है, वह नित्य है, वो सत्य है, उसका कभी अभाव नहीं होगा, वो समता है। और ये विषमता है संसार के जो संबंध है, इसका विषमता है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यसु अविनश्यन्तम्। ये परिस्थिति से परिस्थिति इस विनाशी में जो अविनाशी को देखता है परमात्मा को, कोई ठीक देखता है तो अविनाशी है वो सम है, निर्दोषं हि समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। इस सम में जो स्थिति किसी होगी मन की, ये साम्य स्थितम बना, जिनकी मन की साम्यवस्था में स्थिति हो गई, यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत गए। तो जीत गए कब, किसकी संयोग की इच्छा छोड़ दी, ये वियोग तो स्वतः ही हो रहा है स्वाभाविक ही, तो स्वाभाविक वियोग हो रहा है उसको ठीक मान रहे हैं, तो ये योग हो गया। संसार के संयोग का वियोग का नाम योग है, और इस वियोग होने पर परमात्मा के स्वरूप की स्वतः प्राप्ति हो जाएगी। उनको प्राप्ति के लिए उद्योग करना नहीं पड़ेगा, कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल इसके संयोग की इच्छा का त्याग कर दे तो स्वतः परमात्मा स्वरूप स्थिति हो जाएगी। और परमात्मा स्वरूप स्थिति अपने कर लो, एक है उसमें स्थिति कर लो, तो इसका वियोग हो जाएगा, स्वतः ही स्वाभाविक। इन दोनों में से एक कर लो तो हो जाएगा, मन निरंतर वियोग जिसका हो रहा है उसका संयोग की इच्छा बिल्कुल छोड़ दे तो योग हो गया, और परमात्मा स्वरूप में स्थित रह गए तो योग हो गया, और इसका वियोग स्वतः हो जाएगा। तो इसका वियोग स्वतः है, उसका योग स्वतः है, स्वाभाविक है, और स्वाभाविक जैसा है वैसे का वैसा जानने का नाम ज्ञान है। संसार का संबंध नहीं रहेगा तो इसका संयोग न करना ज्ञान हो गया। परमात्मा का वियोग कभी होगा नहीं, उसे नित्य रहेगा, तो उसके स्थित रहना ये ज्ञान हो गया। नाशवान का ज्ञान और अविनाशी का ज्ञान, एक करो अविनाशी का ज्ञान तो विनाशी नष्ट हो जाएगा, विनाशी ज्ञान हुआ तो ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी, तो सत की प्राप्ति हो जाएगी। तो सत की प्राप्ति का नाम भी योग है, और इसके वियोग का नाम भी योग है। ये दो परिभाषा करने का मतलब ये हुआ, दोनों में से किसी एक को कर लो, दोनों हो जाएंगे आप से आप। दोनों का ही ख्याल रखो तो कोई हद नहीं, नाशवान को अपने रहना नहीं, ऐसा संयोग नहीं चाहना है, उसका वियोग है। अब उस संयोग की इच्छा से ही ये टिके हुए हैं, तो टिके हुए नहीं है, हमने टिका हुआ मान लिया संयोग की इच्छा के कारण से कि संसार है, वास्तव में टिका हुआ है नहीं, ये तो एकदम वियोग हो रहा है, हमने संयोग मान लिया। अब संयोग मान लिया तो संयोग की इच्छा के कारण से हम कुछ करते हैं, करने की इच्छा होती है, करने की रुचि होती है, तो कर्तृत्व अभिमान पैदा हो जाता है, कर्तृत्व। तो संयोग इच्छा हम रखते हैं तो हमारे में कर्तृत्व आ जाता है, अगर संयोग इच्छा नहीं रखते तो हमें करने की इच्छा नहीं है, परमात्मा तत्व तो स्वतः सिद्ध है, उसमें करना नहीं है, तो कर्तृत्व हमारे में नहीं होगा, तो क्या होगा, तो प्रकृति में ही होगा।
प्रकृति क्रियमाणानी गुणी कर्माणी सर्वसा, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं हो रही है। अहंकार के अहंकार से मोहित अंत करने वाला मैं कर्ता हूं ऐसा मान लेता है, पर तत्वित्तु तत्वता वो गुणा गुणी शुभ मतवा न सद्य दे गुणी गुणों में बरत रहे हैं तो कर्ता क्या हुए गुण हुए, गुणी गुणों में बरत रहे हैं तो कर्ता गुण हुए, स्वयं कर्ता नहीं है। नान्य गुण दिया करता है, गुणों के सिवाय कर्ता कोई है ही नहीं, वो गुणों का कर्ता है उसमें कहीं प्रकृति क्रिया वाला नहीं, प्रकृति से क्रिया होती है, कहीं गुणा गुणेशु वर्तन से गुणों से क्रिया होती है, कहीं इंद्रियाणि इंद्रिया से सुवर्तन से जड़ इंद्रियां इंद्रिया से वर्त रही है, अर्थात ये जड़ की जड़ में ही क्रिया हो रही है, जड़ ही करता है, जड़ ही क्रिया है, बस उनमें परिवर्तन होता है जड़ में ही। उसके साथ हम संयोग की इच्छा रख देते हैं तो कर्तव्य की इच्छा हो जाएगी, शायद ये काम करो क्योंकि ये करने से पैदा होगा, और वो तत्व परमात्मा का है वो करने से नहीं, वो तो बिना करे स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, ये करने की इच्छा रुचि हो जाने से कर्तृत्व आ जाता है, तो संयोग इच्छा होने से भोक्तृत्व आ जाता है और करने की इच्छा होने से कर्तृत्व आ जाता है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, संसार कर्ता भोक्ता इसका कुछ नहीं, तो ये अपने में है नहीं, न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, अनादि होने से और निर्गुण होने से ये परमात्मा स्वरूप है स्वयं, कितनी बढ़िया बात है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय निर्विकार है, अब निर्विकार होने से शरीर स्थूल कौन थे या न कौते न लिपते, शरीर में स्थित रहता हो अभी, कर्ता नहीं है लिप्त नहीं है, तो कर्ता नहीं है लिप्त नहीं है क्या, न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, अभी कर्तृत्व भोक्तृत्व है नहीं, शरीर में स्थित रहने पर भी इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व मान लेते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, हम मान लेते हैं दुख होगा संबंध हो जाता है, नहीं मानते हैं तो यश ना अंकृत भाव बुद्धि जैसे निपति, जिसके अहंकृत भाव नहीं है और बुद्धि का लेप नहीं होता तो अथवा भी से मान लोगों न आते संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न उनके फल से बंधता है, न रोते न लिपते निर्लिप रहता है, अहंकृत भाव से और लिप्त के भाव से मानो संयोग की इच्छा से और करना है उस करने की इच्छा से कर्तृत्व भोक्तृत्व आता है। अगर ये संयोग में वियोग मान ले और करना पड़ने की जरूरत नहीं है ऐसा मान ले ऐसा अनुभव कर रहे तो बस फिर नित्य मुक्त है, उसको कोई पाप पुण्य कुछ नहीं लगेगा, एकदम स्वतः परमात्मा के बीच में अपनी स्थिति है वो स्वतः अनुभव में आ जाएगी स्वाभाविक ही, क्यों वो है ऐसी स्वतः है, वो ध्यान देना इसका तो स्वतः वियोग है और उसका योग स्वतः है, मैं हूँ अपनी सत्ता का अनुभव कुत्ते को भी है, गाय भैंस भेड़ बकरी को भी है, जितने जीव जंतु उनमें अपनी सत्ता का है कि मैं हूँ, अपने होनापन है, होनापन का बोध है ये तो है अपने स्वरूप का, और उसके साथ शरीर मिला लेते हैं ये गलती करते हैं, ये संयोग की इच्छा है इस वास्ते मिला लेते हैं, मिला लेते हैं तब कर्तृत्व आ जाता है और उसे सुख लेते हैं भोक्तृत्व आ जाता है, अब इसमें अगर ये संयोग की इच्छा न रखे और करने की इच्छा न रखे तो फिर ये नित्य समुद्र को सुख हो जाएगा, सुख दुख में सम हो जाएगा, तो सुख दुख में सम हो जाएगा करके सम है, समत्वम योग उचित है समता इसमें स्वतः सिद्ध है सुख दुख समय, तो सुख दुख क्यों होते हैं कि पुरुष प्रकृति से ही भोगते, प्रकृति में सोच जाता है तो सुख दुख भोगता है, ये
तो सुख दुख के भोगतापन में हेतु बन जाता है संयोग की इच्छा से और करने की इच्छा से। एक संयोग की रुचि है, एक करने की रुचि है, इसी से कर्तृत्व भोक्तृत्व बढ़ता है और इसकी धर्मता बढ़ता रहता है। कारण गुण संगोषिया सदस्य गुणों का संग है, गुण में कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों बताया, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरस रहे हैं। अब ये अपने आप बरस रहे हैं, अपने कोई दखल नहीं, इसके साथ अपने कोई संबंध नहीं, तो निहाल हो जाए। तो ये नित्य निरंतर वियोग हो रहा है संसार से, ये भी नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, तो वियोग ही सत्य है। और परमात्मा स्वरूप में स्थिति नित्य निरंतर सत्य है, स्वाभाविक है। मैं हूँ ये मैं है, ये तो है प्रकृति, हूँ ये है पुरुष। तो प्रकृति का वियोग, मैंपन का वियोग हो रहा है। तो मैंपन ये प्रकृति है, भूमि आपो नमो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इसी भिन्न प्रकृति तथा अपरा इम इस नियम प्रकृति बुद्धि में पराम जीव भूताम जो जीव भूत जीव रूप बड़ी हुई है वो परा प्रकृति है मेरी। स्थावर जंगम जो पैदा होते हैं वो क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, उस संयोग से तो इसके पदार्थों के संयोग की रुचि और इसमें करने की रुचि, ये दो रुचि अगर मिट जाए तो नित्य मुक्त हम स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक ही। तो ना सतो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत, असत है ये प्रकृति प्रत्येक कार्य, इसकी तो सत्ता नहीं है। ना भावो विद्युत सत, सद वस्तु जो स्वरूप है उसका अभाव नहीं है। उभय और तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों ने दोनों का तत्व देखा है, अंत देखा है। अंत क्या है ही रहता है बस, नहीं वो तो नहीं रहेगा, है ही रहेगा। वो तत्वदर्शी हो गए, उसमें स्थित हो गए स्वतः। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पंचमी प्रथम संवत 2047 संवत 5216 तदनुसार दिनांक 23 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद लीला संतोरा पर हुआ। राम।